चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की, जहां पर हंडिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिवसीय जीवन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। और इस दौरान शिविर में ब्लड प्रेशर, मलेरिया, ब्लड शुगर, कुष्ठ रोग, क्षय रोग के मरीजों की जांच और आयुष्मान के कार्ड बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग के निर्देश पर हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिवसीय जीवन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। शिविर में ब्लड प्रेशर, मलेरिया, ब्लड शुगर, कुष्ठ रोग, क्षय रोग के मरीजों की जांच की गई है और इस दौरान आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं। इस संबंध में हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ सुधीर चौधरी ने बताया है कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का आम लोगों को लाभ मिले। कलेक्टर की अध्यक्षता में और सीएचएमओ साहब की अध्यक्षता में ये शिविर लगा जाता है। इसके अंदर हम मलेरिया, टीबी, ब्लड प्रेशर, शुगर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और जो जो गर्भवती महिला हैं उनको अवेयरनेस होता है उनकी यहाँ पे जांच की जाती है और उनका यहाँ पे पूरा निराकरण किया जाता है और उनको स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाती है, सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे आभा आईडी मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जा रहा है, जिसमें कि किसी व्यक्ति का हेल्थ से रिलेटेड उसकी सारी जानकारी उसमें प्राप्त होगी। उसको फाइल लेके यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, जैसे उसका बीपी, शुगर, उसके कैंसर की स्क्रीनिंग हुई हो तो एक ही आईडी के माध्यम से, या उसको पहले से भी जो गोली दवा चल रही है उस अकाउंट में उसकी सारी जानकारी रहेगी।